हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएट पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर ax इंटू कॉश स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इसका हमें nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका आपको फाइंड करना है उसे आप वायलेट कर लीजिए। ये हमने वायलेट कर लिया। देखिए, ये फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में है और इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 + cos 2x / 2 होती है, उसके जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 a की पावर ax, ये बाहर आ गया और ये साइन एक्स मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, मुझे इसको बनाना है 2 cos a sin b के फॉर्मूले में बनाना है, तो मुझे 2 चाहिए यहाँ पर, उसके लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब 1/2 a की पावर ax से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 a की पावर ax sin x प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 4 a की पावर ax और अंदर क्या है, 2 cos 2x sin x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन में आ जाता है, साइन a प्लस b 3x और फिर माइनस साइन a माइनस b, यानी कि 2x - x x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1/2 a की पावर ax sin x है और यहाँ पर 1/4 a की पावर ax, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 a की पावर ax sin x और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4 a की पावर ax sin 3x। अब हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ तक हमने एक बार पर डेरिवेटिव किया ही नहीं है, इसको हमने सॉल्व किया है सिर्फ, y निकाला हमने अच्छे रूप से, क्योंकि जब तक हम जनरल रूप में नहीं ला लेते तब तक हम अपने रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया और स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुँच गए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है, अब इसका हम कर देंगे nth टाइम में डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, आपका yn हो जाएगा 1/4 d की पावर n e की पावर ax sin x प्लस 1/4 d की पावर n e की पावर ax sin 3x। देखिए, यहाँ पर ax प्लस b के फॉर्म में है sin, और ये इसका प्रूफ भी मैंने करा रखा है, वो क्या होती है, d की पावर n e की पावर ax sin bx प्लस c, क्या होता है, r की पावर n e की पावर ax sin bx प्लस c n phi होता है। ओके, और जहाँ r की प्लस पे क्या होता है, √a² + b² और फाई क्या होता है, 10 inverse b/a, ये मैंने करा रखा है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए की प्लस पे तो ए है और बी की प्लस पे यहाँ 1 है, इधर ए की प्लस पे ए और यहाँ पर बी की प्लस पे 3 है। तो इस फॉर्मूले से अब आपको इस वाले फंक्शन को खोल देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, आर की पावर एन ए की पावर एक्स साइन, एंगल हमारा सिर्फ एक्स था तो एक्स प्लस एन फाई, फिर 1/4, इसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, तो इसको हम दिखाएंगे कैपिटल आर से, एक पावर ax साइन, एंगल हमारा 3x था प्लस n, इसको फाई से दिखाया है तो इसको थीटा से दिखा देते हैं। और आपको मेंशन करना होगा कि आर स्क्वायर के प्लस पर ए स्क्वायर प्लस 1 है इस फॉर्मूले से, और थीटा की जगह पर क्या है, 10 inverse b/a है, दोनों ही टर्म्स दिखा दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।